नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनमिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा की तरह सभी का खैर मकदम करती हूं। इस समय देश चुनावी गर्माहट के अलावा एक और चर्चा में भी डूबा हुआ है और वो है हिजाब कंट्रोवर्सी। हिजाब के बवाल की शुरुआत बेहद बेहद मामूली थी। एक क्लास में टोका टोकी से शुरू हुई बात पर अब मुल्क की सियासत टिकने पे आमादा हो गई है। अच्छा, देश का एक बड़ा तबका विवाद में शामिल भी है, लेकिन इस बवाल में पड़े कितने लोग हैं जो हिजाब या नकाब या बुरके में फर्क समझते हैं? इसी पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। और मेरे साथ आप देखिए, मेरे साथ वाली स्क्रीन पर जानी मानी एडवोकेट हैं, एडवोकेट सैयद नकवी जी। सर नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे शो में, और दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों से यही एक इकलौती जो खबर है, आप भी समझ रही हैं कि सुर्खियों में छाई हुई है। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, इसके बाद तमाम देश की अदालतों से ऑर्डर की आवाजें सुनाई दे रही हैं और बवाल इस कदर बढ़ गया है कि अब ये सड़क से लेकर के सियासत के गलियारों तक पहुंचा हुआ है। हालांकि चुनाव की वजह से लोग उसमें व्यस्त हैं, लेकिन इसमें भी बाकायदा चर्चा हो रही है। ये एक बड़ी खबर बनी हुई है। तो नकवी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या है, मतलब ये जो विवाद उठा है, ये विवाद कर्नाटका से क्यों उठा है? देखिए, ये मुझे लगता है कि कोई बड़ी राजनीति है जिसे रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक रंग है ये, वरना हिजाब तो का क्या मतलब होता है आप बता दीजिए। अगर स्कूल में अलाउड थी इससे पहले, लड़कियां हिजाब में जा रही थी, नकाब में जा रही थी। हिजाब का मतलब है अपने सर को ढक लेना, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और जिसे ये लोग नकाब कहते हैं, अगर इसे चेहरे पे लगा लिया हमने तब ये नकाब हुआ। अगर हम चेहरा ढक के स्कूल जाएं, या लड़कियां अपने फेस को कवर्ड करके स्कूल जा रही हैं, तब आप कहें कि वो नकाब लगा लिया चेहरे पे, ये अलाउ नहीं होता है। और हिजाब अगर सर पे मैंने दुपट्टा रख लिया, मैं आप समझ रही हूँ मुझे नहीं, देखिए। मैं इसे फर्क पे बाद में करूंगी। ये जी जो एक पर्टिकुलर प्लेस से ये विवाद शुरू हुआ है, इस पे आप क्या समझते हैं? देखिए, ये कर्नाटक में जो विवाद शुरू हुआ है, ये एक सोची समझी मुझे प्लानिंग लग रही है, रणनीति लग रही है। ये मुझे कोई विवाद नहीं लग रहा है। वरना एक ये आप देख लीजिए, कर्नाटक के जैसे मैंने पूरी घटना सीन करी, मैंने देखा उसको, तो मुझे ये लग रहा था इतने सारे लड़के आते हैं सामने से और एक लड़की को अचानक से नारे लगा लेते हैं, रिलीजियस नारे वो लगाते हैं। रिलीजियस नारे इधर से भी काउंटर किया जाता है जवाब में, तो ये उसके बावजूद लड़कों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर ये घटना करवाई नहीं गई थी तो उन लड़कों पे एक्शन तो होना चाहिए था। वरना हमारे उत्तर प्रदेश में कोई घेर के दिखाए किसी लड़की को, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, लड़की हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, अगर कोई घेर लेगा हमारे यूपी में बताइए, तो कोई घेर सकता है बाबा जी की गवर्नमेंट में? ऐसा हुआ नहीं हमारे यहाँ कभी। और कर्नाटक में अगर हो रहा है तो आपको लग क्या रहा है कि अगर ये करवाई हुई घटना नहीं होती, सोची समझी प्लानिंग नहीं होती किसी राजनीतिक दल से, ये राजनीति उठी है जिसे अब इतना बड़ा रंग दिया जा रहा है कि देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कंट्रीज बोल रहे हैं इस पर, तो ये बहुत शर्म की जी बात जी है। एग्जैक्टली दूसरे कंट्रीज पे कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं हमारे देश के बारे में। और एक छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है, कि हिजाब और विवाद और नकाब और कपड़ों के लेकर, अरे कोई लड़की क्या पहनती है? स्कूल यूनिफॉर्म की बात अलग है और पहनने की बात अलग है। उस पे ये नहीं मना किया गया कि आप क्या पहनती हैं, और स्कूल अच्छा, यूनिफॉर्म इस ये जो विवाद है, इसको ज्यादा जो हवा लगी है वो 1 फरवरी को लगी है, और 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाया जाता है। तो मैंने इसको अभी लेके आपके क्या जो कहती हैं आप? वैसे मुझे आप पहले ये बताइए कि आपने इससे पहले हिजाब दिवस सुना था कभी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं मनाया, और किसी ने मनाया हो तो मैं नहीं कह सकती, मैंने सुना भी नहीं है इससे पहले, ना तो कभी सुना और ना तो कभी ये हमने देखा कि मनाया गया है इस चीज को, ना हमने कभी मनाया। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरा नाम सहर नकवी है, एडवोकेट हूँ मैं, और मैंने कभी नहीं मनाया इस चीज को। विश्व हिजाब दिवस पहली बार सुन रही हूँ कि विश्व हिजाब दिवस मनाया गया है। जी, तो अब आप इस पर इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा रंग, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेंड कर रहा है इस टाइम। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इस पे
किसी भी हाई लेवल पे मीटिंग करके इसे स्टॉप करना चाहिए, इस पे ब्रेक लगनी चाहिए, वरना ये और बुरा रंग ले सकता है और खतरनाक रंग ले सकता है। रिलीजियस के मामले में लोग सीरियस हो जाते हैं, जो ठीक से समझ नहीं पाते हैं बहुत सीरियसली ले लेते हैं इसको कि एक लड़की को नकाब पहनने के लिए रोक रहे हैं। नहीं, वो यूनिफॉर्म पहनने के लिए अलाउड कर रहे हैं कि आप स्कूल के अंदर क्लासरूम में यूनिफॉर्म पहनेगी। इसके बाहर वो हिजाब पहन के आती है, नकाब पहन के आती है, वो कैसे ड्रेसिंग पहन गए उससे क्या मतलब है। स्कूल में एंटर जब करेंगी तो वो अपने यूनिफॉर्म में करेंगी, क्लास में एंटर करेंगी अपने यूनिफॉर्म में करेंगी। जिस तरह से एक बात, हाँ हमने मुझे पूरी घटना में नहीं समझ में आई कि लड़कों ने क्यों रोका। भाई एक कम्युनिटी के अगर लड़के किसी लड़की को रोकते हैं कि आपके घर की लड़की ये नहीं पहनेगी, तो भाई आप कौन होते हैं रोकने वाले कि हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहनें, हम क्या पहनेंगे। अगर यहाँ पे अगर ड्रेस कोड अलाउड हुआ था कर्नाटका में, तो वहां पे स्कूल प्रशासन रोकता, लेडीज पुलिस रोकती, प्रशासन आके रोकता, मना करता लड़कियों को, आप अपना हिजाब, अपना नकाब, ये ब्लैक कलर का जो आपने डाल के रखा है गाउन, मैं तो इसे गाउन समझती हूँ, मैंने ये पहन के रखा है इस टाइम पे, ये मैं नकाब हिजाब नहीं पहनी हूँ, ये मेरा गाउन है, मैं ब्लैक कलर की अनारकली ड्रेस पहनी आपने आपने अभी बोला कि पूरा प्रशासन जो है वो रोक सकता था, अदालतें इस समय इस पे बैठी हुई है, सियासत के लोग इस पे पूरा ताक लगाए बैठे हैं, और कुछ ऐसे भी आप समझती हैं कि जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं वो भी इस समय जी घात लगाए हुए बैठे हैं। और हाँ ऐसे वो में एक सवाल ये भी बनता सबसे है बड़ा बात मेरा कि ये बनता है हमारे हिजाब स्कूल जो है आखिर जरूरी क्यों है। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि हिजाब इस समय हिजाब जो है जरूरी क्यों है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, हिजाब जरूरी क्यों। इस पे मैं आपको जवाब देती हूँ कि जब लगता है कि यहाँ पे सेफ नहीं है हम, और हमने किसी प्रोग्राम में जाना है, पार्टीज में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो इंसान अपने को ढक लेता है। जब देखिए कोई भी लड़की होंगी स्कूटी से चलने वाली तो अपने फेस को कवर कर लेती है, तो ये सर से अगर डाल लिया तो आप इसे हिजाब थोड़ी कहेंगे। मेरे पास जानते हैं आप भगवा रंग का भी हिजाब है, नकाब जिसे आप कहते हैं, मेरे पास भगवा कलर का है, जी मेरे पास ग्रीन कलर का भी है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो अलग अलग कलर के देखती हूँ कि नकाब टंगे हुए हैं मार्केट में, मैं उन्हें खरीद आती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है, मुझे ये ड्रेसेस अच्छी लगती है तो मैं उसे पहन लेती हूँ हर कलर के। अगर मैं भगवा कलर का ड्रेस पहन के निकल जाऊं उसे आप हिजाब कहेंगी, ड्रेस नहीं है मेरा नकाब है। जिसे नकाब हिजाब, जैसे मैं ब्लैक कलर की पहन के रखी हूँ ऐसे मेरे पास भगवा कलर की भी है, तो मेरी नजर में ये एक वो है, केवल कपड़ा है, एक पहनावा, एक पोशाक है, जिसे आप हिजाब कर रहे हैं मेरे हिसाब से पोशाक है, एक अपने आप को ढकने की, अपने आप अच्छा, को कवर हिजाब करने हिजाब से मतलब ये लिया जाता है कि आप पर्दे में हैं, और पर्दा। कुरान में भी इस पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं है, बल्कि पुरुष और महिलाओं के बीच एक लिहाज का जो पर्दा होता है उससे माना जाता है। तो आप थोड़ा इसमें रोशनी डालिए कि आप हिजाब को किस तरीके से लेती हैं। देखिए ये अदब और लिहाज के लिए पर्दा कह दिया गया, जिसे आप पर्दा कहते हैं ये लिहाज का एक पहनावा है कि हम किसी भी बड़ों में जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि जैसे अभी कोरोना आया तो लोगों ने क्या किया, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए पीपी किट पहनी कि नहीं पहनी, पूरे डॉक्टर कवर्ड हो गए, लोग भी ऐसे कवर्ड होने, पीपी किट पहन पहन के जैसे लग रहा है कि जाएंगे बाहर, डर रहे थे, एक दहशत का माहौल था। अपने आप को सेफ करने के लिए, हर बीमारी से, हर रोगों से सेफ करने के लिए कवर्ड है, ये एक साइंटिफिक रीजन से लोग नकाब ओढ़ते थे। पहले के जमाने में मर्द भी ओढ़ते थे और औरतें भी ओढ़ती थी, ये एक पर्सनल सेफ्टी के तौर पे ओढ़ा जाता, जिसे अब हिजाब और नकाब का रंग दे दिया गया है। और आपने पर्दे की बात करी, अब हम मैं नकाब की सेफ्टी बता दी मैंने, एक साइंटिफिक रीजन से औरतें ओढ़ती थी, मर्द भी ओढ़ते थे पहले के जमाने में। और पर्दे की जहां तक बात है, तो पर्दा अगर हम किसी बड़ों के सामने जब जाते हैं, पर्दा किसी कहते हैं, जब जब भी हम किसी बड़ों के सामने जाते हैं तो अदब से सर ढक लेते हैं। मैं लास्ट ईयर गई थी दिल्ली, तो दिल्ली में मैंने देखा था जामा मस्जिद के अंदर जब फॉरनर एंट्री कर रहे थे तो वो अपने आप को कवर्ड कर रहे थे, डाल रहे थे, क्यों, क्योंकि वो ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, खुदा के सामने जब वो जा रहे थे तो एज अ रिस्पेक्ट उन्होंने सर पे ऐसे डाल लिया था, और इस तरह से पर्दा डाल लिया, हिजाब डाल लिया, तो उसे क्या कहेंगे बताइए। ये राजनीतिक रंग है या रिलीजियस रंग था जो उन्होंने रिस्पेक्ट में डाला, ईश्वर की रिस्पेक्ट में, ईश्वर की इज्जत में, तहजीब में। अगर हम डालते, मंदिर के अंदर जाने से भी पहले महिलाएं सर को कवर्ड कर लेती, ढक लेती हैं, उसी तरह जब हम अपने बड़ों से के सामने आते हैं तो सर को ढक लिया अगर हमने, तो इसे पर्दा कहेंगे कि हिजाब कहेंगे, आप ये बताइए, इज्जत कहेंगे हम अच्छा, ना, हिजाब मालूम जो है वो बुरके से कितना अलग है, लगे हाथों इस पे बुरका। भी जरा लोगों को बता दिया जाए। जी हाँ ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ उर्दू भाषी लोग हैं, कुछ इंग्लिश भाषी लोग हैं, कुछ हिंदी भाषी लोग हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। जिसे आप बुरखा कहते हैं वो एक ब्लैक कलर का पीपी किड है,
जब ताकि मार्केट जाती हैं, तरह तरह के लोगों को बीमारी होती है, और तो ये साइंटिफिक रीजन से पहनाया गया था, बुरखा था, ब्लैक कलर का इसलिए पहना दिया गया था इस्लाम के हिसाब से, मैं बता रही हूँ, ताकि छोटा बड़ा अमीर गरीब एक सा दिखे। ब्लैक कलर गंदा नहीं होता, एक ये भी लॉजिक है, कोई इस्लामिक कलर नहीं के हिसाब से नहीं पहनाया गया है। अगर इस्लामिक कलर होता तो आज जो कलर्ड बुरखे बिक रहे हैं, जो बुरखा की बात है, हर कलर के बुरखे मार्केट में बिक रहे हैं, इस पे बैंड लगा दिया गया होता। अगर ये इस्लामिक कलर होता ब्लैक, तो हर कलर के ब्राउन कलर के औरतें पहन के बुरखा घूम रही हैं। मैंने देखा व्हाइट कलर के पहन के घूम रही, मैं भगवा कलर का खरीद लाई, मैं ग्रीन कलर का खरीद लाई, मैं भी ब्राउन कलर खरीद लाई, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवा कलर का जरा बुरखा दिखाइए, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे, क्योंकि बुरखा भगवा कलर का, क्योंकि मैं एक मिनट का, हाँ मुझे उठाना पड़ेगा कहीं से जाके। हाँ आप मंगवा लीजिए की चीजें, मुझे मालूम है आप घर में ही हैं, और हाँ हाँ अम्मी, क्योंकि मेरा जिस समय विरोध हुआ तो उस समय उनको लड़कियों को भगवा से ही जो है भगवा कुछ से ही किया, इरिटेट इस बात करने की का मुझे कोशिश बहुत की दुख गई। था, इस बात का मुझे बहुत दुख था कि उसे भगवा से काउंटर किया गया और ये भगवा बताया गया, तो ये मुझे बहुत दुख हुआ था। क्योंकि देखिए, जब ये भगवा की जहां पर बात आती है, देखिए ये है भगवा हमारा, है ये भगवा है, और जहां से भगवा की बात आती है, ये इसे सूफी कलर कहते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे करके अभी डाला तो ये सूफी कलर है हमारा, और ये भगवा की बात आई जहां पर, तो मेरे साधु संत यहाँ पे जो रहते हैं प्रयागराज में, जब ये मेले में बात आई तो नांगा साध्वी बनने लगी कुछ औरतें, तो उन्होंने ये एतराज किया इस पर कि नहीं, औरतें नांगा साध्वी नहीं बनेंगी। अगर ये सही था, बेपर्दा बेअदब होना, तो हमारे साधु संत जो कि पढ़े लिखे भी होते हैं और धर्म को भी अच्छे से जानते हैं, क्या वो औरतों को नहीं अलाउ कर सकते? तो आप भी रिलीजियस के हिसाब से आके नांगा साध्वी बन जाइए। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि वो समझदार लोग थे, कौम के जानने वाले थे, धर्म के जानने वाले थे। उन्होंने मना किया कि नहीं, नांगा साध्वी हमारे यहाँ की औरतें नहीं बनेंगी, अगर बनना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं, तो अपने को कवर्ड कर लें, कवर्ड करके। और मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे ही भगवा कलर का, तब मुझे शौक हुआ कि मैं भगवा कलर लेके आऊं, तो मैंने ऐसे भगवा कलर का लाके ऐसे करके डाला उसको। अभी बताइए, इसे हिजाब कहेंगे कि नकाब कहेंगे? मेरे पास पूरा ये भगवा कलर का पूरा, ऐसे ऐसे पहन भी सकती हूँ इसको, ये पूरा कवर करने के लिए। ये चादर है एक, जिसे एबा भी कहते हैं। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि चादर को मैंने एबा का नाम दे दिया। अगर मैं चादर को एबा का नाम दे दूं, तो लोग कहते हैं एबा नहीं ओढ़ेंगे, एबा नहीं ओढ़ेंगे। अब एबा मुसलमान की और लड़कियां ओढ़ती हैं, तो उसे हिजाब मान लिया जाएगा। यही है चादर जिसे एबा कहते हैं, यही है चादर जिसे हम अपने आप को ढक लेते हैं। साधुओं ने अच्छा, हमारे को अलाउ कर दिया। इस समय ये जो विवाद है, कॉलेज से निकल के उडुपी के कई कॉलेजेस में फैल गया है, और अब ये दुनिया में इसकी बात हो रही है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी इसको लेकर के बात हो रही है। क्या हाँ, कहती हैं आप इस पे? पड़ोसी मुल्क को बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है, एक छोटा सा मामला है। पड़ोसी मुल्क भी इसे देख रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव में इस तरह की राजनीति को हवा दी जाती है, रंग चढ़ाया जाता है राजनीतिक, ताकि ये स्प्रेड हो, इतना बड़ा रंग ले ले कि खून खराबा हो जाए, लोगों के दिलों में नफरत भर जाए। क्योंकि नफरत नहीं करेंगे तो राज कैसे करेंगे? तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो, ये तो आपने सुना ही होगा, ये एक फॉर्मूला है राजनीति का। सबसे बड़ा फैक्टर है कि बांटो और राज करो, कि बांटो और राज करो, कि राजनीति जो है यही है और कुछ नहीं है, जो विदेशों तक फैल रही है, विदेश इस पे बात कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी को भी अपने देश में के अंदर, तो विदेशों को बोलने का मौका ना दिया जाए, आपस में बैठ के सुलह समझौता से बातों को समझा लिया जाए। और जिस तरह से बच्चियां जाना चाहती है उनके स्कूल के बाहर, आप क्या पहन के आती है उससे मतलब नहीं है। आप क्लास के अंदर एंटर करती हैं तो आप अपने यूनिफॉर्म में जाएं स्कूल के। हम लोग भी पढ़ते थे, स्कूल यूनिफॉर्म में गए हैं, कभी हम बुरखा और नकाब हिजाब ओढ़ के नहीं गए बाहर तक। हम कितने भी पहन के, माँ छोड़ने जाती थी हमारी, पिता फादर छोड़ने जाते थे, भाई छोड़ने जाते थे हमारे स्कूल, तो हम बाहर तक उनकी गाड़ी में नकाब या बुरखा जो वहीं तक रख के चले जाते थे अंदर। उसके बाद जब मुझे लेने आते थे, मुझे मुझे आपकी बात से एक महक सी आ रही है कि आप ये कहना चाह रही हैं स्कूल में लड़कियों को बुर्का पहन के नहीं जाना चाहिए, ऐसा है क्या? यूनिफॉर्म होता है ना वहां का, एक तो आप बाहर ये तक रहेंगे यूनिफॉर्म में तो बुर्का शामिल नहीं होता है। यूनिफॉर्म में, यही तो हम कह रहे हैं कि हम जब जाते थे, हमारे पापा या हमारे भाई हमें छोड़ जाते, तो हम उनकी गाड़ी में उतार के रख देते थे, और स्कूल में अपने जो यूनिफॉर्म पहन के जाते थे अंदर चले गए। जब फिर मुझे गेट तक लेने आते थे, तो फिर मैं जाके गाड़ी से लेके पहन लेती थी और फिर बैठ के घर चली जाती, ये था। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म ही है भाई। अब अलग से अगर बुरखा यूनिफॉर्म होता, इससे पहले लड़कियां पहन के जा रही थी शायद, अगर
बुरखा अब मना किया अचानक से, तो ये एक राजनीति है। अगर अचानक से नहीं मना किया जाता, यूनिफॉर्म पहले से अलाउड था, अभी ये कानून अब आ गया है, तो इसको प्रॉपर वे में तरीके से लागू करवाया जा सकता था। ये लड़कों के मतलब चिल्लाने से नहीं। जिस कॉलेज में ये घटना होती है उस जी कॉलेज के मैनेजमेंट ने फिर एक फॉर्मूला ये निकाला, पहले तो उन्होंने स्कूल बंद कर दिया, फिर जब जी वो लड़कियां दोबारा से उन्होंने क्लास अटेंड करनी शुरू की तो उन्होंने हिजाब वाली लड़कियों को अलग से बिठा दिया। इस पे क्या कहते हो आप? ये कर्नाटक की एक ऐसी पॉलिटिक्स है, ये वो पॉलिटिक्स है जो किसी को चैन से जीने नहीं देगी। हम तो कह रहे हैं जियो और जीने दो की राजनीति कौन करेगा? कौन ऐसा आएगा राजनीति में, पॉलिटिक्स में, कि जियो और जीने दो की राजनीति करेगा? ये क्यों लोगों का सुकून चैन छीना जा रहा है? क्यों लोगों को मेंटली रूप से परेशान किया जा रहा है? ये पूरे देश को परेशान करने की एक राजनीति जो उठी है, ये कर्नाटक के विश्वविद्यालय से उठ गई है, वो कॉलेज से उठ गई है जहाँ ये हिजाब और विवाद हो रहा है। ये हिजाब पर विवाद क्यों हो रहा है? कर्नाटक से ही क्यों हुआ? हमें यही नहीं समझ में आ रहा। समझी रणनीति नहीं थी तो कर्नाटक से क्यों हुआ? जी, हिजाब की जगह क्या कोई मतलब दुपट्टा भी ओढ़ सकता है मैं जैसे दुपट्टा लड़कियों? क्यों ओढ़ूं? ब्लैक कलर वाला, ये तो मेरा भगवा वाला तो हिजाब है, इसके पूरी मेरे पास गाउन भी है, और ये अच्छा जो ब्लैक कलर का मैं पहन के बैठी हूँ, ये मेरी ड्रेस है, ये मैं सूट पहन के बैठी हूँ, मैंने कोई हिजाब और नकाब नहीं पहन के रखा, आप देख सकती हैं। और ये देखिए, कोई नकाब ऐसा होता है कहीं जो मैंने पहन के रखा है? नकाब की आस्तीनें बहुत बड़ी होती हैं, स्लीव्स बहुत बड़ी होती हैं। ये मैंने जो पहन के रखा है, ये मेरी एक अनारकली ड्रेस है जो मार्केट में बिका करती आम तरीके से। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कम्युनिटी के लोग पहनते हैं इसे, अनारकली ड्रेस को। हाँ, ब्लैक कलर है इसका और मैंने सर से ऐसे करके इसे डाल रखा है, तो आप इसे हिजाब समझ रही हैं, वरना हिजाब हिजाब नहीं है। किसी कलर में भी ऐसे डाला जा सकता है दुपट्टा, सर से मेरा दुपट्टा है। और सहर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी और इसके साथ क्या पॉलिटिक्स चल रही है इसके बारे में भी आपने रोशनी डाली। हम फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए दर्शकों से विदा लेते हैं। जय हिंद, शुक्रिया। जय भारत। जय हिंद, जय हिंद।